सबसे पहले तो गांव से निकले ऐसे बैकग्राउंड से कि स्पोर्ट्स का था नहीं, फिर धीरे धीरे फैमिली ने सपोर्ट किया, फिर काफ़ी बीच में अलग अलग जगह पे गया, जैसे पटियाला नेशनल कैंप में गया, पंचकुला गया, फिर पटियाला से कोविड के बाद जब एक बार खुला था, जब क्वारंटीन वगैरह से निकले, तब मैं एक बार भुवनेश्वर आया था तो यहाँ पे कलिंगा स्टेडियम में हमने ट्रेनिंग की। तो वही है कि पूरी जो पीछे की मेहनत है और जो लगातार ट्रेनिंग हुई थी वही था, कोई ऐसी सीक्रेट नहीं होता, कोई आगे बढ़ने का वही जो मेहनत होती है पुराने टाइम से पिछले कुछ सालों से की हुई वही आगे काम आती है। स्टेडियम में आपने ट्रेनिंग ली है, वहाँ का जो राज्य सरकार वो आपको कैसे लग रहा है? क्या जी क्या बनाया? बहुत अच्छा बना रखा है बिल्कुल। देखो उड़ीसा गवर्नमेंट जो स्पोर्ट्स के लिए कर रही है, नवीन जी ने जो स्पोर्ट्स के लिए किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, और मतलब बहुत ही और अभी भी नए जो हमारे यहाँ पे सीएम आए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लगातार उसको ऐसे ही रखें, क्योंकि उड़ीसा खासकर हॉकी का जो वर्ल्ड कप हुआ है और उसके बाद जिस हिसाब से हॉकी के लिए खासकर सपोर्ट रहा है उड़ीसा का वो बहुत अच्छा था। और अभी तो काफ़ी ज़्यादा कलिंगा स्टेडियम में और भी अलग अलग स्पोर्ट आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, और मुझे लगता है कि ये उड़ीसा एथलीट्स के लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, जगह मिल रही है ट्रेनिंग के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपका क्या मैसेज रहेगा? बस यही है कि अपने लगातार ट्रेनिंग करते रहो और अपने ऊपर विश्वास रखो, कोचेज पे विश्वास रखो, और बिल्कुल अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। नादिम के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ जी, नादिम जी के साथ, जी के साथ ओलंपिक एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल जी, सभी के साथ बहुत बढ़िया था, क्योंकि सारे अलग अलग कंट्रीज से एथलीट थे तो सभी साथ में खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर जब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ओलंपिक में तो बहुत मज़ा आता है, तो बहुत अच्छा रहा ओलंपिक इस बार। हाँ जी, अंडर आर्मर के बारे में, हम टोक्यो के बाद से साथ में जुड़े हुए हैं, और जब से मैं मतलब टोक्यो के बाद से जहाँ भी कम्पीट करता हूँ कुछ ना कुछ फर्स्ट या सेकंड पोजीशन वहाँ पे रहती है, और अंडर आर्मर की टीम हमेशा सपोर्ट करती है, चाहे मैं इंडिया में हूँ या बाहर भी हूँ, यूएस में भी हूँ, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है अंडर आर्मर। नेक्स्ट टारगेट अभी सबसे पहले तो जो फिटनेस वगैरह करनी है दोबारा, क्योंकि थोड़े टाइम से ट्रेनिंग छुट्टी हुई है, तो फिटनेस करूंगा और उसके बाद अगले साल के लिए तैयारी करेंगे, अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह। कोई दिक्कत नहीं, वो सब जब दिन अच्छा होगा और जब टाइम आएगा तो वो जरूर लगेगा वो भी। हम सोच रहे हैं कि ये हमारा कंट्री में टॉप 10 स्टोर्स में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, इतना ज़्यादा पैशन है स्पोर्ट्स का। जब भी मैं भुवनेश्वर आता हूँ फ्लाइट में, कोई स्विमिंग टीम, कोई एथलेटिक्स टीम, कोई ना कोई स्पोर्ट्स पर्सन मुझे मिल जाता है, कभी फुटबॉल वाले मिल जाते हैं, कभी हॉकी वाले मिल जाते हैं, इसके मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स का बहुत चलन है, तो ज़रूर मैं चाहता हूँ कि ये टॉप स्टोर हो जाएगा हमारे लिए अंडर आर्मर का।